नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश हित आप सभी देख रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं। एक बार खबरों का मेन्यू कार्ड आपको दिखा देते हैं। देखिए, 8 बजे हम आपको आज की कवर स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं, भाग रहे हैं रोहिंग्या। अभी कुछ सेकंड्स में हेडलाइंस के बाद, और 8:27 पर ए भाई जरा धीरे रास्ते चलो। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। कहा, कल आपने जो ब्रिगेड मैदान में किया वो बी ग्रेड था, जितना भी करो हमला जवाब देगा बांग्ला का, नया नारा भी दिया। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को फिर से झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज। टीएमसी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। अबीपुर से टिकट मिलने के बावजूद सरला मुर्मू ने छोड़ा ममता का साथ। बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला। केशव प्रसाद मौर्य बोले, दीदी का मतलब घुसपैठियों का साथ और भतीजे का विकास। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बताया था घुसपैठियों की फूफी। पीएम मोदी ने कहा, 130 करोड़ देशवासियों को साथ जोड़कर आजादी के 75 साल का पर्व मनाना है। किसी के योगदान को नकार कर देश प्रगति नहीं कर सकता। तय समय से छोटा हो सकता है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। 27 मार्च से पहले हो सकता है खत्म। कल से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड सरकार में असंतोष की खबरों के बीच संसद भवन में गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की बैठक। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की दोनों नेताओं से मुलाकात। राज्य में कल शाम बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मानव तस्करी रोकने के लिए अब देश के हर थानों में होगी महिला सहायता डेस्क। सभी राज्यों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर। कोरोना पर 6 राज्यों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों में 86% से ज्यादा केस। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात से। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 11,141 नए मामले। बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल की दीवार ढही, 6 लोगों की मौत, कई की फंसे होने की आशंका। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, आज साल का सबसे गर्म दिन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और शोपियां में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट। तुष्टिकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा। हाँ, को रोहिंग्या है, जो बर्मा का रोहिंग्या है। अगर देश शांति होगा तो हम उधर चली जाती है, अभी भी बोलेगा अभी भी चली जाएंगे। रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, हमें भी वहां पे बहुत सताया गया। हमारे दिल में अभी भी बहुत तकलीफें हैं। मन में खौफ आया, जो मन में जो खौफ आया, इसलिए उन्होंने यहाँ से जा रही है। सरकार जहाँ में रखे वो हम जाने के लिए तैयार थे। यहाँ का सरकार ने बस इसी तरीके से हमारे को अच्छे नजर से देख रहा था, बाकी हमारा यहाँ ना मकान है ना जमीन है। यहाँ रहने नहीं आया है, हम अपना मजबूरी में यहाँ, सिर्फ अपना जान बचाने के लिए हम अभी चल जाऊंगा, जब तक वहाँ पे फाइनल हो जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल को फाइनल करेगी। देखिए, देशभर में आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू से है। आपको पता होना चाहिए, जम्मू में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है, और ये देशभर में। जी हाँ, अब तक अवैध दस्तावेजों के सहारे जम्मू में छिपे 155 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। लेकिन कार्रवाई का विरोध जानते ही ये कहकर किया जा रहा है कि ये शरणार्थी हैं। भारत को मानवता के आधार पर दया दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देशित में आपको ये जानना चाहिए कि देश में अवैध रूप से बसे घुसपैठिए शरणार्थी इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारत में शरणार्थी बनकर नहीं आए थे। आज देशित में सवाल ये भी है कि ये घुसपैठिए बांग्लादेश के भारत के
10 राज्यों बांग्लादेश से भारत के 10 राज्यों की सीमाएं पार करके जम्मू तक कैसे पहुंचे? क्या इन्हें जम्मू और कश्मीर इतना सुरक्षित लगा कि 1994 से वो यहां आकर बसते रहे? सरकार चाहते हैं तो ठीक करके हमको भेजो अच्छे से, जैसे फैमिली के साथ। ये कुछ बंदा उधर ले गया, कुछ इधर। हम जम्मू में आए थे हमें जान बचाने के लिए। सिर पर बोरिया बिस्तर, गोद में बच्चे और अब नई जगह की तलाश। ये जम्मू में बरसों से बसे रोहिंग्याओं के पलायन की तस्वीरें हैं। ये जम्मू में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सबसे बड़े अभियान का असर है। ये जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की वापसी की शुरुआत है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए जम्मू से भाग रहे हैं और बंगाल, असम जैसे राज्यों की ओर जा रहे हैं। रोहिंग्याओं में यह डर इसलिए है क्योंकि पुलिस जम्मू की नई रोहिंग्या बस्तियों में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। वेरिफिकेशन में उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे छिपे हुए हैं। और शनिवार को 155 घुसपैठियों की पहचान होने के बाद उन्हें होल्डिंग सेंटर भेजा गया। इसलिए रविवार को सिर्फ 20 रोहिंग्या वेरिफिकेशन के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम लाए जा सके। और अब यहां ज्यादातर रोहिंग्या बस्तियों में सन्नाटा है। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी जम्मू के किरानी तालाब की रोहिंग्या बस्ती पहुंचे तो भरी रहने वाली बस्ती लगभग खाली मिली। सरकार द्वारा एकाएक रोहिंग्याओं की वेरिफिकेशन करने के साथ ही जो है लोगों में यहाँ पे रोहिंग्या जितने भी थे उनमें डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग जो है कल से ही अपना घर बार छोड़ के जाना शुरू हो गए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दुकानें जो थी ये कल तक ये दुकानें जो है खुली रहती थी, लेकिन आज ये दुकानें जो है ये बंद है। तो लोग जो है वो अपने भविष्य को लेकर यहाँ पे काफी चिंतित है। जम्मू में करीब आधा दर्जन रोहिंग्या बस्तियों में बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों के दस्तावेजों की कड़ी पुलिस जांच हो रही है। पुलिस लगातार इन बस्तियों की पेट्रोलिंग कर रही है। रोहिंग्याओं के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में जम्मू में सिर्फ 6,583 रोहिंग्या है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की संख्या 50,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और हजारों रोहिंग्या तो आप ढूंढे भी नहीं जा सकते क्योंकि वो आधार से लेकर राशन कार्ड तक बनवा चुके हैं। माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर में पहला रोहिंग्या 1994 के करीब आया था और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। जम्मू में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध में भी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रोहिंग्याओं के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए दया पहले है या देशहित, जबकि कई रोहिंग्याओं के जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत भी मिल चुके हैं और जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन रोहिंग्याओं के समर्थक हैं। कुछ जो चंद लोग हैं जो खराब हैं, जिनकी वजह से उनको निकालने की मांग उठाई जा रही है, उन लोगों के यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन की जाए और उन लोगों को जो है रिपोर्ट किया जाए। जम्मू में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। अब शायद इस बात का खुलासा हो पाए कि बांग्लादेश बॉर्डर से भारत के करीब 10 राज्यों की सीमाएं पार करते हुए घुसपैठिए जम्मू तक कैसे पहुंच गए। 1995 के दौर से बसनी शुरू हुई रोहिंग्या बस्तियों को किसका समर्थन था, कैसे धीरे धीरे अवैध घुसपैठिए शहर के भीतर अपना अलग शहर बसाते रहे और किसी को पता तक नहीं चला। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।
देखिए इसीलिए कहा जाता है शुरुआत से कि घुसपैठिए भारत छोड़ो। ये कहा जाता है कि जिस तरह से एक्शन जम्मू में हो रहा है घुसपैठियों के खिलाफ, पूरे देश में कब होगा? और यही हम लगातार सवाल भी, क्योंकि ये अब डिबेट बंगाल तक पहुंच रही है। बंगाल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोहिंग्या वहां पर भी है, और इसलिए सियासी मुद्दा भी ये बन रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो पहले ममता बनर्जी के साथ थे, अब बीजेपी में आ चुके हैं, जो नंदीग्राम से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर कैसे निशाना साधा रोहिंग्याओं को लेकर, बल्कि रिश्तेदार बता दिया रोहिंग्याओं का ममता बनर्जी को। सुनिए, सुने रखो माननिया, आपनी बांग्लार मेये बोले आपनाके केउ स्वीकार करे ना, আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। देखिए बचाव में तर्क दिया जाता है कि मानवता के आधार पर घुसपैठियों को छोड़ देना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। उनसे हमेशा यही कहा जाता है कि दया से बड़ा देशहित है और राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर मानवता नहीं दिखाई जा सकती। भारत में भी यही कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे सताए लोग हैं और उन्हें इसलिए भारत में शरण देनी चाहिए। लेकिन म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है इसलिए वो आपके यहां पर आकर बसना चाहते हैं। आप भारत को धर्मशाला बना दीजिए, सबसे दयावान भारत। लेकिन आपको जानना चाहिए कि म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा 2012 से तेज हुई, लेकिन भारत में तो उससे 8 साल पहले से रोहिंग्याओं का आना और बसना शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि म्यांमार के जो पीड़ित, प्रताड़ित और हिंसा की वजह से ये लोग आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, 8 साल पहले से। भारत में कहां कहां घुसपैठिए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, रोहिंग्या कहां कहां आकर बस गए हैं, ये नक्शा देखिए भारत का। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मतलब 10 राज्यों में, लगभग पूरे देश में। और आपको बता दें कि अनुमान ये बताता है कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। 1971 से 2017 के बीच 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, 1971 से 2017 के बीच 80,000 से कम की पहचान हुई, 80,000 से ज्यादा की कम की पहचान हुई। हर साल 1,740 घुसपैठियों की शिनाख्त, 1740 की शिनाख्त होती है, उन्हें फिर डिटेंशन सेंटर, फिर आगे की प्रक्रिया होती है। अगस्त 2017 तक 29,738 ही वापस भेजे गए और अब एक्शन जम्मू में शुरू हो चुका है। देखिए अब आपको देशहित में जाना चाहिए कि म्यांमार के जो रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते भागकर भारत आए हैं, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल और फिर भारत, उनके साथ बांग्लादेश क्या कर रहा है? कोई मुल्क इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए देशहित और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले। मानवाधिकार उल्लंघन के सारे आरोपों, यानी कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन के सारे आरोपों और विरोध को ताक पर रखकर बांग्लादेश रोहिंग्याओं को नए द्वीप पर बसा रहा है। इस द्वीप का नाम भासनसार द्वीप है, भासनसार। यहां बांग्लादेश 1,00,000 रोहिंग्याओं को बसाने की योजना बना रहा है। अब आप जानिए इस द्वीप की हकीकत, एक ऐसा द्वीप है जहां अक्सर भयंकर तूफान आता है, बाढ़ आती है, बहुत ही खतरनाक द्वीप है ये द्वीप समुद्र तल से केवल 6 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वो जानलेवा है, रिस्क है। भासनसार द्वीप पर कोई आबादी नहीं है। बांग्लादेश ने इस द्वीप पर 1500 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए हैं, वो घर में नहीं आने दे रहा है बांग्लादेश। यहां हर एक परिवार के लिए सिर्फ 12 से 15 फुट की जगह है। जी मीडिया के सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल व्योन ने इस द्वीप से रिपोर्टिंग की थी, जिसके अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, चाहे वो यहां रहने के लिए घर हो, सोलर पैनल हो, साइक्लोन सेंटर या मोबाइल नेटवर्क हो, हर चीज उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन रोहिंग्या यहां पर आने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि एक क्षेत्र साइक्लोन के लिए खतरनाक है, अगर कभी भी ये क्षेत्र दूसरी जगह से कट गया तो ये वो लोग करेंगे क्या? ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए दूसरे लोगों से मदद मांगना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थी की शक्ल में सिरदर्द है। Ha ha ha!
से क्यों जा रहे हैं सर? रोको, बताने दो। बताए हैं कि भैया रॉन्ग साइड काहे जा रहे हो। आपको डर नहीं लग रहा है? मैं बस निकल रही हूँ। रॉन्ग साइड से क्यों जा रहे हैं? पता नहीं था भैया। नहीं था तो ऐसे उठा के चलाना आता नहीं, धीरे धीरे ले जा रहा बहुत। मैं तो यहाँ मोड़ना था तो मैंने इधर मोड़ लिया, मैंने कहा निकलूं जल्दी से, इधर मोड़ लिया। हाँ, रॉन्ग साइड का मतलब ही नहीं होता यहाँ कोई। सर क्यों जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं? लेडीज भी हैं। पांक पांक मैडम, रॉन्ग सॉरी, हम बोले हैं कि गलती हो गया है। मैं यहाँ से आऊंगा तो वहाँ से आधा किलो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। आजकल पेट्रोल 100 रुपया हो गया, कैसे इंसान मैनेज करेगा? नमस्कार, देशहित के दूसरे एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये जिंदगी की बात है। अपने कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड में अपनी कार, बाइक या स्कूटी या फिर अपने वाहन को लेकर चले जाते हैं और कई बार इसका नतीजा इतना घातक होता है कि कुछ सेकंड की जल्दबाजी मंजिल की जगह कहीं और ही ले जाती है। आपको पहले आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं कि रॉन्ग साइड में चलना कितना जानलेवा होता है। वर्ष 2019 में देश भर में लगभग, ध्यान से सुनिएगा, 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई। इनमें 1.5 लाख से अधिक, जी हां, 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2019 में रॉन्ग साइड में ड्राइविंग के कारण 24,431 सड़क हादसे हुए और इसमें 9,000 से अधिक लोगों की मौत रॉन्ग साइड में ड्राइविंग की वजह से हुई। इसका मतलब है कि हर दिन इस वजह से ही 25 लोगों की जान चली गई। दुख की बात है कि हमारे देश के लोग रॉन्ग साइड में चलने से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जानते तो अच्छी तरह से हैं, लेकिन मानते नहीं। उन्हें पता होता है कि ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ेगी ही नहीं, और पकड़ भी लिया तो क्या होगा, मामूली चालान देकर वो बच जाएंगे। आज देशहित में हमारी रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने को अपना राइट समझते हैं। क्या आप भी टू व्हीलर चलाते हैं? क्या आप भी कार से चलते हैं? एक्सीडेंट की इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आपको भी डर लगता है, लेकिन हर शहर हर जिले में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन हादसों का कोई डर नहीं। वो बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे लोगों को यह भी फिक्र नहीं कि उनका घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा। शायद इसीलिए इन लोगों ने रॉन्ग साइड चलने को अपना राइट समझ लिया है। यह है दिल्ली का गुलाबी बाग। यहां ना तो कभी ट्रैफिक जाम रहता है और ना ही ट्रैफिक की कोई समस्या है। बावजूद इसके कुछ लोग शॉर्टकट और अपने कुछ मिनट बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में गाड़ी दौड़ा देते हैं। ऐसे कई लोग जी न्यूज के कैमरे में भी आ गए। थोड़ा सा रास्ता बचाने के लिए जान खतरे में डाल रहे हो,
ये ई रिक्शा खुद तो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, अपने साथ सवारियों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपको, मतलब थोड़ा इधर ही जाना है। वैसे घूमने दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं है ना, रास्ता नहीं है दूसरा, उधर से आना पड़ेगा लाल बत्ती से। लाल बत्ती से थोड़ा सा रास्ता बचाने के लिए जान खतरे में डाल रहे हो? हाँ तो भाई सही था, उधर से निकाल लेता है। यहाँ एक बाइक सवार ने दूर से ही जी न्यूज के कैमरे को देख लिया और देखते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। इनको देखिए, बिना हेलमेट पहने रॉन्ग साइड से चले आ रहे हैं। जब हमने इनको रोका तो इनका बहाना सबसे अनोखा था कि इन्हें तो चलाना ही नहीं आता। यहाँ से इतनी तेज गाड़ी आ रही है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? भाजी बैटरी वाला ना, यहाँ काम करते हैं तो हम तो ऐसे ही उठा के चलाना आता है, धीरे धीरे ले जा रहा भाजी। हेलमेट पहना नहीं है, कम से कम अपना और परिवार का तो चिंता करो। ठीक है। इन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से रॉन्ग साइड में नहीं चलने की कसम ली। ऐसा नहीं होगा। ये सज्जन भी स्कूटर लेकर रॉन्ग साइड से आ रहे थे। रॉन्ग साइड आने में जरा इनका बहाना सुनिए। जानते हुए भी आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं? दवाई लेने जा रहा था मैं, अभी जल्दी में था, दवाई लेने जा रहा हूँ। दवाई लेने जा रहे थे? यहाँ आने का दूसरा रास्ता नहीं है? थोड़ा लंबा पड़ता है, बाकी लंबा पड़ता है। लंबा रास्ता तय करने के बजाय ये अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। जब जी न्यूज रिपोर्टर ने इनके बहानेबाजी पर सवाल जवाब किया तो इन्हें लगा कि अब बहुत हो गया। क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हो गया सर। दिल्ली के गुलाबी बाग के इस इलाके में रॉन्ग साइड के कारण हर सप्ताह 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी लोग हादसों से सबक नहीं लेते। छोटे ट्रंप में और जल्दी पहुंचना, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए भी खतरनाक है। और एक्सीडेंट भी जो होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं कम से भी कम सर यहाँ हफ्ते के अंदर 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं। और शासन और प्रशासन यहीं पे सारे रॉन्ग साइड जा रहे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे रॉन्ग साइड जाते हैं। बाइक पर सवार ये अपने परिवार को लेकर रॉन्ग साइड से चले आ रहे थे। जब इन्हें रोककर रॉन्ग साइड से आने की वजह पूछी गई तो वही बहाना कि मेन रास्ता लंबा पड़ता है। तीन लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं सर, ये तो ठीक है मगर इमरजेंसी है सर, सर वो फिर यू टर्न लेके लंबा आना पड़ता है। रॉन्ग साइड में चलना किसी एक शहर की समस्या नहीं है, हर छोटे बड़े शहर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। सड़क तो सड़क, लोग तो फ्लाईओवर पर भी रॉन्ग साइड से चलने से नहीं घबराते। पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर लोग ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर जरा इनके बहाने सुनिए। रॉन्ग साइड से क्यों जा रहे हैं? पता नहीं था भैया, पता नहीं था। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी जल्दी के चक्कर में गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए कैमरे की नजरों में आ गई। मैडम एक मिनट, आप रॉन्ग साइड से क्यों जा रही हैं? मैडम आपको डर नहीं लग रहा है? मैं बस निकल रही हूँ। इस स्कूटी पर सवार शख्स ने रॉन्ग साइड आने पर अपनी गलती भी मानी और बजाय वापस यू टर्न लेने के ये वापस उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? ठीक है सॉरी सर। आप क्या, आपको जान, आपके पड़ी बाल बच्चे होंगे? ठीक है, अब तो मैंने घुस गए तो आप क्या करिएगा। हमारे कैमरे के सामने एक एम्बुलेंस भी रॉन्ग साइड से फ्लाईओवर पर चढ़ गई। जब हमने रॉन्ग साइड से आने का कारण पूछा तो क्या जवाब मिला सुनिए। रॉन्ग साइड से क्यों घुसा दी? ऐसी ही बाइक पर बैठे दो लोगों को जी न्यूज रिपोर्टर ने रोका तो उन्होंने बहाना बताने के लिए अपनी गाड़ी किनारे रोकी। आप लोग सर रॉन्ग साइड से क्यों जा रहे हैं सर? रोको बताने दो, बताए हैं कि भैया रॉन्ग साइड काहे जा रहे हो। अहमदाबाद की सड़कों पर भी हमें ऐसे लापरवाह लोग मिले। अहमदाबाद के कलेक्ट्रेट और आरटीओ के पास लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
इस रास्ते पर रॉन्ग साइड चलने को लोगों ने अपनी आदत बना लिया है। आप रॉन्ग साइड आए हैं? ये रॉन्ग साइड है, क्यों आ रहे हो? दूसरों की भी जान जोखिम में डाल के रॉन्ग साइड चलाना इतना हुआ लगता है? नहीं खाली यहाँ से टर्न मारा है मैंने, खाली कलेक्टर में जाना है, थोड़ा काम है। तो ये सही रास्ता है? आप नहीं वहाँ से तो आया मैं। क्यों? तो कहा यहाँ पे कोई जगह ही नहीं, कहाँ से आओ? इस बाइक सवार को जब हमने रोका तो इन्होंने रॉन्ग साइड चलने पर अपनी गलती भी मानी, लेकिन दिलचस्प था इनका बयान। सुनिए, आप जो चला रहे हैं वो सही है? नहीं वो गलत है, लेकिन वो गलती की वजह से किसी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है आपको लगता है? लेकिन मुझे इधर ही जाना है तो इधर से मैं आऊँगा ना। अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? वो तो हम ध्यान रखेंगे ना, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। इनकी दलील गले के नीचे नहीं उतरी, ये रॉन्ग साइड से भी चलेंगे और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। रॉन्ग साइड से बाइक चलाकर आ रहे इन जनाब को भी सुनना चाहिए, इन्होंने रॉन्ग साइड से आने का ठीकरा सरकार पर ही फोड़ दिया। रॉन्ग साइड आने का कोई कारण? ये अपने काम का चाहे लेते अपने कलेक्टर कचहरी के लिए, तो कोई जगह है ना, यही रास्ता है। तो लगता है इसी वजह से कहीं कहीं एक्सीडेंट हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, बट सरकार को बनाना चाहिए रास्ता भी। जब इन्हें लगा कि इनके बहाने में दम नहीं है तो इन महाशय ने रॉन्ग साइड आने के लिए महंगे पेट्रोल का बहाना बना दिया। इतना बड़ा रास्ता आगे तो मैं यहाँ से आऊंगा तो वहाँ से आधा किलो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, आजकल पेट्रोल 100 रुपया तो हो गया, कैसे इंसान मैनेज करेगा? ये ऑटो ड्राइवर 30 साल से अहमदाबाद में ऑटो चला रहे हैं, लेकिन रॉन्ग और राइट में फर्क नहीं पता। हालांकि इन्होंने अपनी गलती मानी और भविष्य में राइट साइड से चलने का वादा भी किया। यानी आपकी गलती नहीं है? गलती नहीं है, कहा ना उससे नहीं बोलता हूँ मैं, कहा। तो क्या करेंगे आगे? अब गलती हो गई है, इधर क्या करें? नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, यही करेंगे। नहीं नहीं आपके बात सही है, आपके बात समझ के नहीं। कुछ सेकंड या कुछ मिनट बचाने के लालच में अक्सर लोग सही और गलत में फर्क भूल जाते हैं। सही रास्ते पर चलने में वक्त तो लगता है, लेकिन जिंदगी पर खतरा कम रहता है, और रॉन्ग साइड चलने पर अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर बस यही कसक रहेगी कि काश रॉन्ग साइड नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप ये भी कह सकते हैं कि रॉन्ग साइड जिंदगी में भी और सड़क पर भी कभी राइट नहीं होती। देशित में अब बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो मेहनती तो खूब होता है, सही सुन रहे, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं। अक्सर आपने कहते हुए भी सुना होगा लोगों को जो बहुत मेहनती होते गधे की तरह काम करता है। जी हाँ, हम बात गधों की ही कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में गधों की संख्या में कमी आई है। यहां हालात ये हैं कि गधे अब दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या में कमी क्यों आ रही है? देखिए हैदराबाद से मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर की खास रिपोर्ट। ये बेजुबान जानवर मेहनत करने के बाद भी बदनामी का शिकार है। इन दिनों आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या अचानक से कम होने लगी है। आंध्र प्रदेश में गधों की संख्या कम होने की पड़ताल करने जी मीडिया की टीम पहुंची आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। पड़ताल के दौरान पता लगा कि गुंटूर समेत आंध्र प्रदेश के कई जिलों में गधों के मांस की बिक्री बढ़ गई है। ये गुंटूर का कोंडा वेंकटप्पैया कॉलोनी है और यहाँ की पूरी बस्ती गधों को पालने या फिर इन्हें काटने का व्यापार करती है। मेरे पीछे जो गधे आप देख रहे हैं इन्हें एक एक कर काटा जाएगा क्योंकि इनके मांस का काफी डिमांड है। ये जो गधे आप देख रहे हैं इन्हें एक एक कर काटा जाएगा। इनके मालिक इन्हें काम करने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए लेकर आए हैं। మాకు నాలుగు గాడులు ఉన్నాయండి, పిల్ల తల్లులు నిమ్మకి ఆయాసానికి పనిచేస్తాయి, రోజు వచ్చి పిండించుకెళ్తారు, ఉబ్బసానికి ఆశకి వాటికి పనిచేస్తాయి, అన్నం పెడతాము, కుర్తి నీళ్ళు పెడతాము, గడ్డి మేస్తాయి, బియ్యం మేస్తాయి, ఏమైనా కాయలు పోయాలంటే మేస్తాయి। గుంటూరు కే కై ఘరో కే బాహర్ హమే గధే బంధే హువే మిలే। కోయి ఇన్కా మాస్ ఖానే కే లియే ఖరీద్ కర్ లాయా థా, తో కోయి గధీ కా దూధ్ బేచ్నే కా కారోబార్ కర్ రహా హై।
ఆదివారం నిమ్మండ ఆయాసం రొప్పున పిల్లిగురకుండా ఉబ్బసం ఉమ్మునీళ్ళు తాగి నిమ్మండ తగ్గుద్ది మోసం తింటే గాడిద పాలు తాగినా తగ్గుద్ది మోకాడు నొప్పికి నడు నొప్పికి పడ్డ నొప్పికి బెనుక నొప్పికి పాత నొప్పికి తగ్గుద్ది మోసం తింటే మోసం మంచిది. दरअसल गधे के मांस को लेकर आंध्र प्रदेश के लोगों में गलतफहमी फैली हुई है. लोगों में भ्रम है कि गधे का मांस खाने से यौन क्षमता बढ़ जाती है और सांस की बीमारी का इलाज भी होता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक गधे का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन गधे का मांस खाने से यौन क्षमता बढ़ने का कोई भी सबूत मेडिकल साइंस में नहीं है. साइंस द्वारा या किसी भी फसाए के द्वारा या WHO के द्वारा ये कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि गधे के मांस से पुरुष की शक्ति बढ़ाई जाती है. ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ये ग्रूमर है सिर्फ पैसे कमाने के लिए. देश में गधे का मांस बेचना गैर कानूनी है. भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने पशु फूड की 2011 की श्रेणी में गधे के मांस को शामिल नहीं किया है, इसीलिए उसकी हत्या करना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है. कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यहाँ लोग चोरी छिपे गधे के मांस का कारोबार कर रहे हैं. గాడిద పాలు గాడిద సమురు నూనె ఇట్లా అమ్ముకొని జీవిస్తూ ఉంటారండి. కేవీపీ కాలనీ మన మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాడిదలు ఇట్లాంటి పాలు బోలు అమ్ముకునే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. ఎంతో మంది దీని మీద బతుకు జీవిస్తున్నారు. ఇట్లాంటిది గాడిదలు పట్టుకొని దాచేపల్లిలో ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు దాచేపల్లి పోలీసు వాళ్ళు ప్రెజెంటింగ్ ది న్యూస్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ Google Play and App Store. Download it now.